एक छोटी सी कंपनी से रेमंड को ग्लोबल ब्रांड बनाने वाले विजयपत सिंघानिया अपने बेटे गौतम सिंघानिया से नाराज हैं। उन्होंने अपने बेटे पर कंपनी तोड़ने का आरोप लगाया। बता दें कि मौजूदा वक्त में रेमंड के मालिक गौतम सिंघानिया फिलहाल अपनी वाइफ के साथ संबंधों को लेकर चर्चा में है। ऐसा बताया जा रहा है कि गौतम सिंघानिया और उनकी पत्नी नवाज मोदी अलग होने वाले हैं। अलग होने के बदले में नवाज मोदी ने अपने पति से मोटी रकम मांगी है। एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को दिए एक इंटरव्यू में विजयपत सिंघानिया ने अपनी कंपनी और बेटे के साथ संबंधों को लेकर खुलकर बात की। हालांकि इस दौरान विजयपत सिंघानिया ने साफ कर दिया कि वो गौतम के फैसलों में हस्तक्षेप करने से बचते हैं। विजयपत सिंघानिया ने कहा, वो रेमंड को तोड़ रहा है जिससे मुझे दिल को काफी तकलीफ पहुंची है, लेकिन मैं हस्तक्षेप नहीं करता। मैं उसे नहीं बताता कि उसे क्या करना चाहिए। उसे जीना है, मैंने अपना जीवन जी लिया है। मेरे पास अब कुछ ही साल बचे हैं। ये वर्णन करना मुश्किल है कि जब आप अपने परिवार को इस तरह के तनाव में जाते देखते हैं तो आप पर क्या गुजरती है। मैं केवल भगवान से प्रार्थना कर सकता हूं वो इन मुद्दों को सुलझाने में मदद करें। विजयपत सिंघानिया 2015 में रेमंड के अध्यक्ष के रूप में पद को छोड़ दिया था और कंपनी की बागडोर अपने बेटे गौतम सिंघानिया को सौंपी थी। कुछ साल पहले बाप बेटे में काफी असहमतियां देखी गईं जो अब पूरी तरह से सामने आई हैं। इंटरव्यू में विजयपत सिंघानिया ने कहा, मुझे सड़क पर देखकर गौतम को खुशी होती है। उन्होंने कहा कि जो मेरे पास पैसे बचे हैं उनमें मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूँ। बता दें कि बाप बेटे के बीच विवाद 2017 में तब सामने आया जब विजयपत सिंघानिया ने दावा किया कि रेमंड लिमिटेड ने दक्षिण मुंबई में स्थित बहुमंजिला इमारत जेके हाउस में डुप्लेक्स आने की अनुमति नहीं दी। उन्हें 2018 में रेमंड के मानद चेयरमैन पद से हटा दिया गया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।